मॉर्निंग ही होता है शुरुआत में, ठीक है। गुड इवनिंग इसमें भी नहीं बोलेगा, गुड इवनिंग सर। चलिए नमस्कार सबको, मैं बिहार शरीफ से हूँ, शशिभूषण मेरा नाम है और आपके गांव में ये मेरा पहला विजिट नहीं है। अगर सेठपुरा आना होगा तो आपका गांव जरूर आना होगा, ये फिक्स है कि आपके गांव में हम आते ही आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरा काम क्या है, एज ए न तो हम टीचर हैं, न कहीं हम कुछ पढ़ाते हैं, न मैथ, न इंग्लिश, न रीजनिंग, न आपका कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं। तो हम करते क्या है, हम सिर्फ शिक्षा पे जाके गांव-गांव बातचीत करते हैं और शिक्षा के प्रति पागलपन जगाते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं, क्योंकि पढ़ना ये तो हर कोई करेगा। जब आप बच्चा थे तो आपको, आप जाने या ना जाने 3 साल 4 साल 5 साल के हुए तो आपको स्कूल पहुंचा दिया गया, कोई रोते हुए जाता है, कोई हंसते हुए जाता है, लेकिन अधिकांश लोग स्कूल जाता है। अलग बात को होता है कि स्कूल जाने के बाद कुछ मार खाता है, कुछ नहीं मार खाता है टीचर से, ठीक है, लेकिन जाता है। फिर उसी तरीके से करते हुए 1 पहुंचता है 2 पहुंचता है 10 पहुंचता है 10 तक सब करीब करीब गांव का हर लड़का लड़की 10वां तक पढ़ता है। 10वां के बाद भी देखेंगे कि अब तो अवेयरनेस हो गया है क्या, कि पहले 10 तक हाई स्कूल में हुआ करता था, अब हाई स्कूल में कहां तक पढ़ाई होगा, कहां तक पढ़ाई होगा, 12 तक पढ़ाई होगा। तो यानी अब गाँव के भी बच्चे कितना तक पढ़े रहेंगे, मिनिमम 12 तक। क्यों ऐसा किया सरकार पता है, क्योंकि पहले 10 पे भी वैकेंसी बहुत सारा आता था, लेकिन अब 10th पे वैकेंसी नहीं के बराबर है। तो सोचा गांव से भी रह के बच्चे अगर 12 कर लेंगे और अच्छा ढंग से करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं जॉब ले सके। तो होता क्या है, रेगुलर डिग्री का पढ़ाई हर कोई कर सकता है, लेकिन जिंदगी में सक्सेस हर कोई कर सकता है ये कहना संभव नहीं है। तो सक्सेस कौन करता है, तो कहता है वही सक्सेस करता है जिसको उस चीज का भूख होता है, और भूख जगाना होता है, क्योंकि अदरवाइज अगर हम नहीं जगाएंगे भूख तो होता क्या है, जैसे पौधा कोई भी आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए तो लगे अब पूरा सजा हुआ नहीं है, लेकिन किसी के घर में जाके देखिए वही पौधा तो हर कोई सजा हुआ लगे, क्योंकि उसका बार बार कटिंग करता है, देखता है, पानी देता है, खाद देता है, ऐसा करता है। तो इससे क्या होता है, वो पौधा परमानेंट रूप से अच्छा से ग्रोथ लेता है, देखने में सुंदर लगता है। तो उसी तरीके से हमारी जिंदगी में हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है, कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। इसमें 10वां तक सब करेगा, 10वां के बाद कौन कौन है जो आगे सोचता है कि डिग्री लेके रहना है, या तुम लोग सोचते हो कि नहीं जिंदगी में कुछ ना कुछ करना है, चाहे हम LDC में नौकरी करें, UDC में करें, MTS में करें, सिपाही में करें, ठीक है, रेलवे में करें, कहीं ना कहीं हम नौकरी करेंगे, ऐसा किसके किसके मन में है, सब उठा दिया नहीं। देखो पहला चीज क्या रखना चाहिए ना, सबसे पहला चीज की मन में रखो कोई ना कोई चीज, तो काम करने या पढ़ने का अंदाज अलग रहेगा, ठीक है ना। पहले एक मन में बनाओ कि अगर जॉब हर लोगों के लिए सरकार बनाई है, सरकार कभी ये नहीं कहा है कि चांदी का हम 5 लड़का को इस साल नौकरी देंगे, सरकार कहा है क्या, नहीं ना कहा, ठीक है, कहा है चांदी का जो लड़का पढ़ेगा सबको नौकरी देंगे, लेकिन साल में 5 को नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि उस अनुसार सोचा नहीं, उस अनुसार मेहनत नहीं किया। तो डिग्री में जिस तरीके से कि लिमिट नहीं है कि जितना चाहे हर लोग पास हो सकता है, हर लोग नंबर बढ़िया ला सकता है, नौकरी में ये लिमिट है कि इतना लोग को ही नौकरी लगेगा, लेकिन नौकरी में भी क्या है, जो लड़का लड़की पागल है सबको नौकरी लग रहा है, नौकरी के प्रति जो पागल है। करना क्या होता है, सबसे पहला एक चीज सोचना होता है कि अगर मान लिया एक चीज थोड़ा सा बचपन से हम लोग लें, कि हम लोग अगर पैदा हुए तो आखिर हम लोग सबको सबसे ज्यादा शक्तिमान किनको मानते हैं, तो भगवान को मानते हैं। आप लोग मानते हैं या नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, चलिए ठीक है, ऐसे हम तो जानते हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि सबसे ऊपर हम लोग से बरियार कौन है, भगवान है या नहीं, आप लोग मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो इतना मंदिर मस्जिद नहीं बनता, लोग इतना पूजा पाठ नहीं करते, ठीक है, आज सबसे ज्यादा लोग, और हम लोग को हमेशा ये रहता है कि हम लोग के ऊपर कोई है, ठीक है, और इस धरती पे जन्म लिए हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि सब हम लोग किनके औलाद हैं, सब भगवान के औलाद हैं। तो आखिर सोचो, हम लोग समझते हैं कि भगवान बहुत समझदार हैं, भगवान बहुत बलशाली हैं, हर चीज है, तो जब सब भगवान की औलाद हैं तो आखिर ऐसा क्यों किए कि किसी को काला बना दिए, किसी को गोरा बना दिए, किसी को नाटा बना दिए, किसी को मोटा बना दिए, ऐसा क्यों किए, ऐसा नहीं करना चाहिए,
नहीं करना चाहिए, गलती हो गया। अब किसी को गरीब के घर पैदा कर दिए, किसी को अमीर के घर पैदा कर दिए, किसी को 10 कट्ठा खेत है या किसी को 10 बीघा खेत है, ऐसा है या नहीं? तब बोलो कि सही में भगवान थोड़ा गलती किए। लेकिन अब जरा सा देखो भगवान करते क्या है। कहते हैं धरती को बैलेंस करने के लिए जब धरती पे बीज बोते हैं, जब हम लोग को धरती पे पैदा करते हैं, जब जन्म लेते हैं, तो भगवान क्या करते हैं ना, हर बीज को पहले लाते हैं और देखते हैं, देखते हैं ये बहुत सॉलिड बीज है, बहुत सॉलिड बीज, तो कहते हैं इसको तो कितनों गरीब घर में भेज देंगे तब भी क्या कर लेगा, तो उस घर को आगे निकाल देगा, ये सर्वाइव कर जाएगा, उसको एकदम गरीब घर में भेजते हैं। देखते हैं ये बहुत मरियलियन बीज है, इसको हो सकता है ज्यादा गरीब गरीब भी भेज दिए तो मर के इसी रह जाएगा, तो सोचते हैं कि ऐसा घर में भेज दें कि नहीं कमाए तैयो एक जिंदगी चल जाए, तो वो मरियल बीज को वहां भेज देते हैं, ठीक है ना। तो भगवान हर कोई को काला बनाए, वो वही रूप में धरती पे सबसे सूटेबल एडजस्ट था, इसलिए भगवान ने सबसे बढ़िया रूप उसको दिया। लेकिन जब धरती पे हम लोग आते हैं तो भगवान के दिए हुए रूप को, दिए हुए पैसे को, दिए हुए समय को ही हम लोग बेकार समझते हैं। हम लोग को लगता है कि ना गलती हो गया, अगर थोड़ा सा हम और सुंदर रहते तो कितना अच्छा होता, पापा को कितना रिश्ता देखे पड़ रहा, तैयो लड़का नहीं मिल रहा, ठीक है, तो मन में लगता है कि नहीं थोड़ा सा भगवान को हमको भी थोड़ा अवगोराई देना चाहिए। लेकिन पता है भगवान ने आपका रूप ऐसा इसीलिए दिया था क्योंकि भगवान को विश्वास था कि आप में काबिलियत था, आप बिहार पुलिस चाहे कुछ न कुछ में एक आगो जॉब कर लेते, और जब आप जॉब कर लेते तो क्या कोई लड़का आपकी सूरत पे फिर शादी करता या कर लेता शादी? कर लेता ना, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने आप को पहचाना नहीं, और जो चीज भगवान आपको दिए थे उस चीज को आप इज्जत ना दे सके, इसीलिए निकल गए नीचे। कोई लड़का होता है जो बेचारा यहाँ पे आता है पढ़ने के लिए, सरकारी स्कूल में जाता है, उसी के बगैर वाला घर के लिए गाड़ी आता है, जो जाता होगा शेखपुरा और बढ़िया से टाई उई लगा के एकदम झकास बैग उग लेके औरा पे चढ़ता है, और दोनों जाता है बेचारा जी गाँव का, तो उसको लगता ये तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, हम ये सरकारी में पढ़ा हूँ, आधा दिन क्लास होगा कि आधा दिन नहीं होगा के, हम तो बेकार हो गए। नहीं, ऐसी बात नहीं। कोई आदमी सोचता है हम तो जनरल में, जनरल मतलब हम भूमिहार हैं, हम राजपूत हैं, पंडित जी, हमको कौची जॉब होगा, ये 80 वाला को जॉब होगा, उसको छूट बहुत है, हम ओबीसी में हमरा की होगा। भगवान हर को हर रूप में इसीलिए डाले क्योंकि उसकी काबिलियत वहीं पे थी, और हम अनायास ही क्या करते हैं, बुरी चीजें नहीं है हमारी जिंदगी में लेकिन हम खुद अपने आप को बुरा समझ के बार बार उस विडंबना में हम लोग जीते रहते हैं। अगर हम लोग सिर्फ एक चीज समझ ले, भगवान हर रूप दिए, हर रंग दिए, हर को अलग अलग दिए, लेकिन जब धरती पे भेजे तो कहें कि नहीं सबको एक समान देंगे क्योंकि सब हमारे ही संतान है, तो भगवान ने कहा कि जाओ तुम्हारे पास में एक ऐसा धन देते हैं कि इस धन से तुम किस, अब उधर छोड़ दो ना, इधर देखो ना, उधर कोई ऐश्वर्या राय नहीं आएगी, चलो इधर देखो। उस वो एक ऐसा बोले कि एक ऐसा दौलत दे देते हैं जो कैसा भी लड़का रहेगा, कैसी भी लड़की रहेगी, कैसा भी इंसान रहेगा, उस दौलत रूपी चीज को हर चीज से गुना करेगा, वही जिंदगी में उसको मिल जाए। तो भगवान ने क्या किया, हर लोगों को भगवान ने 24